यहाँ बीहपुर से बीरपुर एनएच 106 बीहपुर से फुलौत तक मैं फुलौत गया था। जब मैंने कहा तो कहा सब नेता ऐसे ही बोलता है, लेकिन उसको करवा के हमने दिखाया। सबसे बिहार का लंबा पुल बन रहा है, विजय घाट पुल से हम आते जाते हैं। अब बीहपुर से बीरपुर हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा। उसके अलावा भी कई कोसी पे पुल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। पूरा इलाका जो प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज हर जिले को दिया, उसमें सुपौल में, मधेपुरा और सहरसा में भी हो गया। तो जो काम हुआ है, या तो अटल जी के वक्त हुआ था इस इलाके में, या मोदी जी के वक्त हुआ है। तो हम लोग काम के नाम पर चुनाव में जाएंगे, वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल पे। और हमारे जो विरोधी हैं वो सिर्फ एक ही काम रह गया है, सनातन समाज को गाली दो, रामचरित मानस को का अपमान करो, राम जी का अपमान करो और हिंदू समाज को आहत करो। यही सो कॉल्ड इंडी अलायंस का, जो घमंडिया अलायंस है, उसका एक ही काम है। बीजेपी से लड़ते लड़ते वो सनातन से लड़ने लगे, नहीं तो झंझारपुर में हम लोग रैली किए, तिल रखने की जगह नहीं थी, इतनी बड़ी रैली किए। अररिया में तो हम लोग भी नहीं गए थे, वो तो सरकारी कार्यक्रम था और उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। बिहार का शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस लेकर बयान देते हैं। देखिए, कोसी कमिश्नरी में सुपौल सहरसा मधेपुरा के इलाके में बहुत लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, रामचरित मानस को पोटेशियम साइनाइड बताया जा रहा है। तो जनता बताएगी कि चुनाव में साइनाइड क्या होता है, जवाब मिलेगा वोट के जरिए, करारा जवाब मिलेगा।